हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जाने वाले हैं शिवाजी स्टेडियम। सो वहाँ पे हम लोग अल हुसैन मिशन की तरफ से एंड हुसैन फॉर जस्टिस की तरफ से हम लोग थोड़ा सा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं ना। तो आज हमारे साथ हमारी पूरी अल हुसैन मिशन की टीम जाने वाली है, जिसमें कि दो तो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हैदर भाई वगैरह आगे कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं। सो चलते हैं, बड़े टाइम वेस्ट करते हुए मिलते हैं आपको लोकेशन पर। तेरे इश्क में डूबा हूँ मैं, तेरे नाम पे सजता हूँ मैं। दुनिया ने जब ठुकराया, तेरे दर पर आया हूँ मैं। तेरे आलम से, तेरे करम से जो चाहा वो मिल गया। मौला अब्बास, मौला अब्बास, मौला अब्बास, मौला अब्बास। तो गाइस, ट्रक में सामान उतर चुका है और बटना भी स्टार्ट हो चुका है। मददगार की बात, आशिके रब की मोहम्मद के वफादार की बात, सब्र की प्यास की ईसार की किरदार की बात, फिर तो हो। तो अभी हमने कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट करा है हसन भाई? ये अभी हमने किया बंगला साहब रैन बसेरा में। रैन बसेरा में, रैन बसेरा में जो गरीब लोग हैं दूर दूर के, जी जी, तो कहीं जगह नहीं है, कहीं वो लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ जी, और अभी ये कहाँ जा रहे हैं? ये अभी जा रहे हैं बाहर शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास और बंगला साहब। ओके, मतलब दो लोकेशन पे आएंगे अलग अलग टीम? जी जी, दो टीमें जाएंगी, अलग अलग लोकेशन पे जाएंगी। और ये कर रहे हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया था, उनकी याद में कर रहे हैं और दुनिया को एक मैसेज पहुंचाना है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, जुल्म न सहे और जालिम के सामने कभी झुके नहीं। जी, करीब 250 लोग हैं यहाँ पर, हमें पैकेट दे दिए हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर गाड़ी में सामान रख के लेके जा रहे हैं, जैसे कि शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन हो गया, पालिका बाज़ार हो गया और आपका ये सब सरकार पूरा कवर करेंगे। तो वैसे ये कर क्यों रहे हम? ये वहाँ हुसैन की याद में कर रहे हैं, बुराई खिलाफ अच्छाई की जीत, इसलिए हम लोगों को उस याद में बता रहे हैं कि इमाम हुसैन भूख के प्यासे शहीद कर दिए गए थे, उनकी याद के लिए हम खाना और ये पानी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जाने जान जान हुसैन, दिलो ईमान हुसैन, हमारा सैयद बादशाह हुसैन। जान हुसैन, जाने जान जान हुसैन, दिलो ईमान हुसैन, हमारा सैयद बादशाह हुसैन। दिल में रहे मौला मेरा, याद रहे कर्बला, जारी रहे जिक्र सदा, साथ रहे फर्शे अज़ाम। मिलके ये हर बार कहो, कहो 100 बार कहो, सब अज़ादार कहो, सैयद बादशाह हुसैन। इंशाल्लाह तू बेहतरीन सैयद बादशाह, सुभान अल्लाह सरजमीन तेरी करबला। जाने 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 करबला। स्टैंड फॉर जस्टिस, स्टैंड फॉर जस्टिस, स्टैंड फॉर जस्टिस, हुसैन 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 फॉर जस्टिस, हमारा सैयद बादशाह हुसैन। जान हुसैन, जाने जान जान हुसैन, दिलो ईमान हुसैन, हमारा सैयद बादशाह हुसैन। सल्ले अला मोहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, नानक दिल नानक जान, मौला हुसैन सैयदना, सैयद सरदार हुसैन, मेरे सरकार हुसैन, मेरे मुख्तार हुसैन, सैयद बादशाह हुसैन। इंशाल्लाह तू बेहतरीन सैयद बादशाह, सुभान अल्लाह सरजमीन तेरी करबला। जाने 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 करबला, जाने 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 करबला। तुम भी आजादार
شاہ حسین خان حسین جانے جان جان حسین دل و ایمان حسین. हमारे साथ बशीर भाई हैं, ये सबील मीडिया के मेंबर हैं. सबील मीडिया बहुत अच्छा वर्क कर रही है इस टाइम, बहुत ट्रमेंडस वर्क कर रहा है इस्लाम के लिए. और जो ये हैशटैग आपने देखा होगा बैनर्स पे, और सबने जो एक बात बोली है हुसैन फॉर जस्टिस, हुसैन फॉर जस्टिस, वो सबील मीडिया ने स्टार्ट करा है. तो बशीर भाई, ये सबील मीडिया ने जो हैशटैग स्टार्ट करा है हुसैन फॉर जस्टिस, इसका मोटो और ये क्यों स्टार्ट करा है? देखिए, बेसिकली सबील मीडिया का जो वर्क है, जो हमारा काम है, सबील मीडिया जवानों के लिए और यूथ के लिए जो एक काम कर रहा है, वो दीगर दीनी मसाइल को फराहम कराना है. जैसे आपके अकायद हो गए और मुख्तलिफ मसाइल्स हैं जो यूथ जिससे अवेयर नहीं है. उसका सबील मीडिया का बेसिक मोटो यह है कि उन मसाइल से यूथ को अवेयर कराया जाए. लेकिन इसके अलावा 2016 में सबील मीडिया स्टार्ट हुआ था, तो उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट करी थी, हुसैन फॉर जस्टिस. हुसैन फॉर जस्टिस के बैनर के नीचे जो हम लोग काम करते हैं वो ये है कि जैसे जैसे मुहर्रम के अय्याम शुरू होते हैं, उसमें हम दीगर ट्विटर पे स्टॉर्म चलाते हैं हुसैन फॉर जस्टिस हैशटैग के साथ. और हुसैन फॉर जस्टिस के बैनर के नीचे ही हम लोग वाटर कैंपेन, फूड कैंपेन और दीगर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन हम लोग ये चलाते हैं. और इसके अलावा इसका बेसिक मकसद ये था कि सबील मीडिया जो है वो बेसिकली एक दीनी एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अलावा हम लोग ये कैंपेन हम सबील मीडिया के पेजेस से नहीं कर सकते थे. इसकी जो बुनियादी ज़रूरत थी हुसैन फॉर जस्टिस की, वह यही थी कि इमाम हुसैन के मकसद को, जो इमाम हुसैन का मकसद था पैगाम इंसानियत, पैगाम अदल व इंसाफ जो आम करा जाए, जो इमाम हुसैन का मकसद जो करबला में लेके चले थे इमाम हुसैन के, अच्छाइयों को आम करना है, बुराइयों के ख़िलाफ़ खड़े होना है. तो हुसैन फॉर जस्टिस जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम यही चाहते हैं कि अच्छाइयों को आम करा जाए और दूसरों की, लोगों की मदद इस तरह से की जाए कि जिस तरह हमारे आइम्मा इमाम हुसैन और हमारे जो मुख्तलिफ़ आइम्मा हैं इमाम महदी तक, जिस तरह उन लोगों ने काम करा, उसी तरह हम लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम करके इमाम हुसैन के मकसद को आम करना चाहते हैं. जैसे कि आइम्मा की हयात तैयबा में पाया जाता है कि इमाम अली इब्न हुसैन, जब उनकी शहादत वाकई हुई, तो उनके तशय्यु जनाजा में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि जब मैं उन्हें उसको कफन दे रहा था, तो मेरे बाबा की कमर पे मुख्तलिफ तरह के निशानात थे, जिससे ये जाहिर होता था कि मेरे बाबा रात की तारीकी में गरीबों की कितना मदद करा करते थे और उन तक राशन और अनाज और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती थी वो पहुँचाया करते थे बिना किसी को खबर हुए रात की तारीकी में. तो हमारा भी मकसद बेसिकली यही है कि हम भी अपने आइम्मा की ज़िंदगी को फॉलो करते हुए और उनके मकसद को आम करें और दूसरों की मदद जिस तरह भी हो सकता है, पानी दे पिला कर या खाना खिला कर या और दीगर उम्र में हम उनकी मदद कर सकते हैं. और हमारा मकसद यही था हुसैन फॉर जस्टिस के प्लेटफॉर्म से कि हम दूसरों की मदद जिस तरह भी हो सकता हो उस तरह करें. तो ये आपका जो मकसद है, ये आपने हुसैन फॉर, हम कह सकते हैं हुसैन फॉर इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर ओनली वन रिलीजन. थैंक यू बशीर. भाई पानी पूरा कम वो ले लिया.